अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को साधुवाद देता हूं कि बड़ी संख्या में यहां पर जब आपको एहसास होगा कि शासन तंत्र का दुरुपयोग करके मतभेदी करने का परिणाम दुष्परिणाम आप लोगों को आवाज को मुक्त रूप देने के लिए इस संघर्ष में सहभागी बन रहे। जय हिंद, जय भारत। अपने मनमाने तरीके से बना करके लगा करके अपेक्षा हॉस्पिटल की डिजाइन डीपीआर स्वीकृति भूगल मंत्रालय की प्रशासन की मनोजी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप हमें आगे का रास्ता दिखाए और हमें एक घर जाकर एक एक काम में देवास लक्ष्मी रोड विसर्पट्टी नाम पूजन करी आज का उद्घाटन कारण हम करी चप्पल पहन के पंडित जी जरा पूजा को भक्ति कांग्रेस पार्टी क्या
पीपीआर को कोई नहीं बदल सकता है और इन्होंने ये जघन्य अपराध किया है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी कि सरकारी फंड का दुरुपयोग मनमाने तरीके से गलत जगह किया। ये मामले हमने कई देखे हैं और निश्चित रूप से ये डीपीआर और तकनीकी स्वीकृति और भूतल परिवहन मंत्रालय के साइड को परिवर्तन करने का हक किसी को भी नहीं है, केवल भूतल परिवहन मंत्रालय के अलावा। ये इन्होंने मनमाने तरीके से किया है, ये एक अपराध के श्रेणी में आता है और हम सरकार बनेगी इनको एक अपराध दर्ज करवाएंगे और उसमें जो भी जिम्मेदार अधिकारी नेता है उनको सबको कटघरे में खड़ा करेंगे और इनसे रिकवरी भी की जाएगी, करवाई जाएगी, ये हमारा संकल्प है। देखिए, हमने तय समय अनुसार, तय घोषणा अनुसार कोई चोरी छिपे नहीं किया है। 8 दिन पहले माननीय जिलाधीश महोदय को पत्र दिया था कि आप देवास की जनता के हितार्थ जनता को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो पैसा माननीय सज्जन वर्मा जी लेके आए 250 करोड़ रुपए, देवास में बच्चा बच्चा जानता है, उस ब्रिज को बने को जो इन्होंने बीजेपी ने डिजाइन परिवर्तित कर दी, परिवर्तन के पश्चात भी जब ब्रिज बन गया 45 दिन के पहले बन चुका है और ठेकेदार ने लिख के दे दिया है कि ब्रिज कम्प्लीट हो गया, तो फिर चालू क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या नेताओं के उद्घाटन के चक्कर में देवास की जनता तरसती रहे सुविधाओं को? आप उद्घाटन करा लो, प्रधानमंत्री से करा लो, मुख्यमंत्री से करा लो, राज्यपाल से करा लो, जिससे मर्जी आ करा लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति इस बात की थी कि 2-4 दिन तो समझ में आते हैं, 45 दिन बाद भी इनके कान में जू नहीं रेंग रही थी। आज हमने जनता को, जनता के द्वारा समर्पित कर दिया वो पैसा जो कांग्रेस शासन ने दिया था। इनका पहले तो संवैधानिक अधिकार बनता ही नहीं है कि उद्घाटन करें, सरकारें तो आएगी जाएगी, एक ढेला पैसा ही लेके नहीं आए सांसद जी और विधायक जी कि देवास को नई सौगात दे दें। कहाँ है उज्जैन रोड का 4 लेन का पैसा? बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए कि 112 करोड़ आ गए, अरे 112 रुपए नहीं आए आज तक। 112 करोड़ की बात तो छोड़िए, इनकी हैसियत नहीं है कि सज्जन वर्मा जी की बराबरी कर लें। 250 करोड़ रुपए लाने के लिए कलेजा चाहिए, जाके देव उठा के देख लें, वल्लभ भवन में हस्ताक्षर कमलनाथ जी के हैं, उस फाइल पे देख लें हस्ताक्षर सज्जन वर्मा जी के हैं जो पैसा अलॉट किया गया। आज हमने इसका ब्रिज उद्घाटित कर दिया, जनता के द्वारा जनता को समर्पित कर दिया। आपने ब्रिज का नामकरण भी किया? नामकरण हमने किया फिसल पट्टी, एक हमने उसका नाम किया था जबरन का ब्रिज था वो, चूंकि उसकी डिजाइन बदल दी उसकी कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ आप देखें कितने लोग फिसलते हैं, आगे आप खुद पत्रकार साथी चेक कर लें, इतनी फिसलन है। चूंकि सोयाबीन मंडी में आता है ये बात का ध्यान नहीं रखा गया तकनीकी रूप से, बड़ी बड़ी बातें कर ली, इनके अज्ञानी नेता है, एक नेता को ज्ञान नहीं तकनीकी रूप से। यहाँ सोयाबीन आता है, जो गिरती है सोयाबीन उसकी वजह से फिसल पट्टी बन जाती है, किसान गिरते हैं, स्टूडेंट गिरते हैं, महिलाएं गिरती है। मैंने पिछली बार भी DSP महोदय को फ़ोन किया था, SDM साहब को, जब लोग गिर रहे थे आपको पता होगा हमने आंदोलन किया जब ब्रिज बन रहा था, आज फिर कह रहे हैं ये ब्रिज फिसलन पट्टी के रूप में बनाया गया। आप उठा के देखेंगे तो डिजाइन बनता है ऐसा ब्रिज का जिसका कोई औचित्य नहीं है। ये बाले बाले जो इन्होंने काम करा, चुराई हुई सरकार का चुराया हुआ धन और चुराई हुई तकनीक से जो काम किया है, जनता इनको घर भेजेगी, ये तय है आने वाले दिनों में इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। भैया आपने भी उद्घाटन कर दिया, वापस को बंद कर दिया गया प्रशासन? देखिए पुलिस की मर्जी है, वो तो तानाशाही सरकार चल रही ना, ये तो तानाशाहों के द्वारा सरकार चलाई जा रही है। हमने उद्घाटन कर दिया, अब उनकी मर्जी है, बंद करे चालू करे उनकी मर्जी। आज जनता आपके सामने निकली, 4 व्हीलर निकले, पब्लिक निकली, हमने जबरदस्ती नहीं किया। जब पब्लिक निकलना चाहती है तो जनता के खिलाफ ये कौन होते हैं इसे बंद करने वाले? आज नहीं तो कल फिर गेट खोल दिए जाएंगे इसके। भैया आपने जात रूप से कांग्रेस सरकार आएगी तो जो इन्होंने चेंज किया है डिजाइन को और जो दोषी अधिकारी हैं, जो नेता हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे, तय मांग के चलिएगा। आज कुछ कांग्रेस जनी यहाँ पर पहुंचे थे और जो नव निर्मित बीच है इसको चालू करने का प्रयास किया जा रहा था, क्या पुलिसिंग व्यवस्थाएं बनाई गई? पुल है, अभी इसको विधिवत रूप से हैंड ओवर होकर जो विधिवत इसको पुल चालू होना है, परंतु संगठन विशेष के द्वारा यहाँ पे पहुँचकर प्रयास किया था कि इसको पुल चालू कर लें, लेकिन पुलिस ने विधिवत लगा रखे थे, तो इसके लिए जरूर ये लोग ऊपर चले गए, लेकिन बाद में थोड़ा उनको बाहर निकाल के और बैरिकेटिंग की गई है। जब तक ये विधिवत रूप से इसका उद्घाटन होगा उसके बाद ही इसको आम जन के लिए खुला जाएगा, तब तक ये पुल। काफ़ी देर पुलिस से उज्जत भी हुई कांग्रेस, अब वो लोग इसका प्रयास कर रहे थे कि साहब इसको चालू कर दें, लेकिन जब तक विधिवत हैंड ओवर होके और विधिवत रूप से उसका जो है शुभारम्भ नहीं होगा तब तक इसको ओपन नहीं किया जा रहा है। पुल अभी भी बंद रखा गया है और जो नियमानुसार है वही कार्रवाई की जाएगी। बैरिकेड खोलकर ऊपर जाने का प्रयास किया गया जिसको पुलिस के द्वारा रोका गया है, और जैसे भी अगर आगे पुलिस कार्रवाई प्रस्तावित करती है तो हम। मैडम काफ़ी देर तक उज्जत की पूजा पाठ करके कांग्रेसियों ने पूरा बीच चालू किया, आवागमन भी चालू किया गया, पुलिस के हमारी पूरी
पुलिस टीम के द्वारा रोकने का प्रयास भी किया गया है और आगे जो भी कार्रवाई होगी हम